हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। हम लोग अलंकार को पढ़ रहे हैं, तो अलंकार में हमारा अर्थालंकार चल रहा है। तो अर्थालंकार में हमारा जो है उत्प्रेक्षालंकार हो रहा है। तो उत्प्रेक्षालंकार की हमने परिभाषा आपको बता दी है और उसे कैसे पहचानेंगे ये भी मैंने बता दिया आपको। उसका ट्रिक है वाचक शब्द मानो जानहु मनहु, ये है। ठीक है, अब मैं उस उत्प्रेक्षालंकार का जो प्रकार है उसके तीन टाइप है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रकार क्या है, देखिए उत्प्रेक्षालंकार के मैंने यहाँ लिखा है तीन प्रकार की होती है। उत्प्रेक्षालंकार हमारी तीन प्रकार की होती है। अगर एक नंबर के क्वेश्चन में आया तो आप लिख सकते हैं तीन प्रकार की होती है। रूपक भी तीन प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार में हमारा देखिए पहला क्या है, वस्तु प्रेक्षालंकार। वस्तु प्रेक्षालंकार, ठीक है, जहाँ उपमेय रूप वस्तु में उपमान रूप वस्तु की संभावना की जाए, यानी एक वस्तु की, यानी उपमेय में एक वस्तु की दूसरे वस्तु में संभावना की जाए। ठीक है, एक वस्तु की दूसरे वस्तु में संभावना की जाए, ठीक है, वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो एक प्रकार से अगर इसे देखिए तो ये उत्प्रेक्षा जो हमारा अलंकार है एकदम वही है मान के चलिए, तो इसमें ज़्यादा आपको इसके भेद में आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो दूसरा और तीसरा टाइप है इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये बना। ठीक है, तो हमारा जहाँ उपमेय रूप वस्तु में, ठीक है, उपमान रूप वस्तु की, ठीक है, संभावना की जाए यानी कल्पना की जाए। ठीक है, मैंने बताया आपको कि कल्पना की जाए, माना नहीं जाए, संभावना कल्पना की जाए, वहाँ वस्तु प्रेक्षालंकार होता है। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसकी, देखिए जैसे जान पड़ता नेत्र देख, बड़े बड़े हीरकों में गोल गोल नीलम है जड़े। ठीक है, यहाँ देखिए वाचक शब्द हमारा जान, मैंने बताया था ना कि आपको मनो मानो जनहु मनहु ये सब है। तो ऐसे भी आप देखकर अगर नहीं आपको इसका अर्थ पता है तो आप इसे देखें और पहचान गए कि ये जान लिखा है। तो यहाँ नेत्र है, ठीक है, नेत्र में क्या है, बड़े बड़े हीरे यानी नीलम जो है जड़े हुए हैं। ठीक है, जड़े हुए हैं नीलम, ठीक है, नेत्र कल्पना की जा रही है नेत्र की, ठीक है, कि गोल मतलब हीरे की जो है, हीरे जो है नीलम के वो जड़े हुए हैं। ठीक है, नेत्र की कल्पना किससे की जा रही है, हीरे से। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम जान, जान जो लिखा है इसे भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर अर्थ है पता नहीं है तो, अगर अर्थ पता है तो यहाँ नेत्र की हीरे जड़े हैं नीलम में यानी कल्पना की जा रही है नेत्र की। ठीक है, इसमें यही दिखाया गया है, हमारी कल्पना की जा रही है। तो एक प्रकार से उत्प्रेक्षालंकार का ये भेद है, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है ये चीज़ और कल्पना की जा रही है, एक वस्तु की दूसरे वस्तु में जहाँ संभावना की जाए, वो हमारा कौन सा अलंकार हुआ, वस्तु प्रेक्षालंकार हुआ। हम दूसरे भेद की बात करते हैं, दूसरा टाइप हेतु प्रेक्षालंकार यानी कारण की बात कह रहा है। तो जहाँ हेतु के न होने पर भी हेतु की संभावना की जाए, हेतु यानी कारण, जहाँ कारण के न होने पर भी कारण की संभावना की जाए। ठीक है, हेतु के न होने पर हेतु की संभावना की जाए यानी कारण के न होने पर भी कारण की संभावना की जाए, वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, ये तो बहुत आसान से आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसे देखिए, अगर जान पड़ता है तो उत्प्रेक्षा, अगर वस्तु नहीं दिया है, ठीक है, उत्प्रेक्षा दिया है तो आप सीधे उत्प्रेक्षा लगा जाए, लगा देंगे आप निशान, इसलिए टिक करेंगे क्योंकि इसमें जान लगा हुआ है मानव शब्द जो है वाचक शब्द हमारा। तो वस्तु प्रेक्षा में देखिए जहाँ हेतु के न होने पर हेतु की संभावना की जाए, वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है यानी कारण के न होने पर। तो इसकी जो हमारा है एग्जाम्पल देखते हैं, पाई अपूर्व थीरता मृदु वायु ने भी मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। देखिए यहाँ मानो शब्द लगा हुआ है, लेकिन आपको क्या पर इसमें देखना है, वस्तु प्रेक्षा देखना है, तो जिसमें कारण के न होने पर भी कारण की संभावना की जाए, ये देखना है आपको। अगर ये आपको ये पंक्ति दी होता और इसमें वस्तु प्रेक्षा न दिया होता, सिर्फ उत्प्रेक्षा अलंकार, तो भी आप उसे लगा सकते हैं क्योंकि इसमें वाचक शब्द दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हेतु उत्प्रेक्षा यानी कारण के न होने पर, यानी जो है वायु अचंचल स्थिर होने के कारण की संभावना की गई, वायु जो है अचंचल स्थिर होने के कारण की संभावना की गई है कि वो क्या हो रही है, विमोहित हो गई है, जो वायु विमोहित हो गई है, जबकि क्या है, वायु जो है निर्जीव है, वो विमोहित तो हो ही नहीं सकती, वो विमोहित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ कारण न होने पर भी कारण की संभावना की गई है, यानी अचंचल जो स्थिर वायु है वो विमोहित हो गई है, लेकिन यहाँ तो
वायु तो विमोहित हो ही नहीं सकती क्योंकि निर्जीव है, ठीक है। तो यहाँ कारण न होने पर भी कारण की संभावना की गई, तो जहां पर भी कारण के न होने पर कारण की संभावना की जाए वहां पे हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए। अब हम दूसरे तीसरे की बात करते हैं। तीसरा प्रकार हमारा जो है उत्प्रेक्षा का ये है फलोत्प्रेक्षा, यानी इसमें देखिए नाम में ही इसने बता दिया फल की बात करेगा, ये अपनी पंक्ति में क्या करेगा फल की बात करेगा, ठीक। इसने नाम में रखा दिया या हेतु, यहाँ देखिए कारण की बात किया इसने, कारण निहित होना चाहिए यानी हेतु, यानी एक कारण के न होने पर भी हेतु की संभावना, यानी हेतु के न होने पर भी हेतु की संभावना, यानी कारण के न होने पर भी कारण की संभावना की जाए, यहाँ पे ये है और यहाँ पे फल की बात हो रही है। तो फल उत्प्रेक्षा यानी फल होना चाहिए पंक्ति में। तो देखिए इसकी परिभाषा, जहाँ किसी फल की संभावना की जाए, प्रयोजन फल की संभावना की, यानी फल की संभावना वहाँ होगी ही, ये आप याद रखिएगा। जिस पंक्ति में फल की संभावना होगी तो वो हमारा कौन सा अलंकार बनेगा, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण, जैसे नित्य ही नहाता शीर सिंधु में कलाधर है सुंदरी नवावन की समता की इच्छा से, ठीक है। इसमें देखिए इस पंक्ति में क्या है, फल की बात कर रहा है कि जो चंद्रमा है वो सिंधु में नहाने का कारण उसका उसकी उत्पत्ति का कारण नहीं है, जो सिर निधु में नहा रहा है सिर सिंधु में, यानी सिर निधि में या सिर सिंधु में जो नहाने का कारण है उसका, सिर निधि में नहाने का कारण चंद्रमा का उत्पत्ति नहीं है उसकी, क्या है बल्कि वो क्या है, किस लिए स्नान है, बल्कि वो एक सुंदरी मतलब नायिका के मुख की समानता के लिए, उसकी समानता के लिए क्या कर रहा है, स्नान कर रहा है मुख की समानता के लिए, नायिका की नवामन की समता की इच्छा से, बल्कि वो मुख इसलिए स्नान कर रहा है, देखिए फल की संभावना हो रही है, बल्कि फल की संभावना के लिए वह फल की संभावना के लिए क्या कर रहा है, मतलब यहाँ देखिए फल की संभावना के लिए वह नायिका की मुख की समानता के लिए वो जल में मतलब सिर सिंधु में यानी निधि में स्नान कर रहा है, यानी नहा रहा है, यानी फल की बात हो रही है। तो हमारा इसमें देखिए फल की बात हुई, इसमें कारण की बात हुई, ठीक। और इसमें हमारा जो होता है वो वस्तु एक वस्तु से दूसरे वस्तु की संभावना में, बस हमारा यही है, बस इसे तो उतना नहीं, लेकिन इसको भी आप समझ लेंगे तो उतना अच्छे से आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, ठीक है, हमें लगता है समझ में आ गया होगा। तो यही है, जिसमें फल की बात हो फलोत्प्रेक्षा, जिसमें कारण आए हेतु की बात करें तो हेतुप्रेक्षा, ये है हमारा। तो ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार जो है, इसके तीन टाइप थे मैंने आपको बता दिया, तो उम्मीद होता है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप रिवीजन उसे अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।